Good afternoon, friends. Good afternoon, sir. Sir, good afternoon. Good afternoon. सभी का स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं जेनेटिक्स ऑफ मटेरिया मेडिका, जेनेटिक्स ऑफ रेमेडीज, जेनेटिक्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन. तो जेनेटिक्स, दैट मीन्स द miasmatic approach of remedies. So, Tri Miasmatic Materia Medica. Then, आज हम जो मेडिसिन देखेंगे वो है ऑरम ग्रुप. तो ऑरम का ट्राई मियास्मेटिक एंड ऑल ऑरम एलिमेंट्स. यस, सो ऑरम के ही भाई बहन जो आज हम देखने वाले हैं. ओके, सो ट्राइमाइजमेटिक ऑरम किस किसने पढ़े हुआ है इसके पहले? सही, ट्राइमाइजमेटिक ऑरम किस किसने पढ़े हुआ है? ऑरम सोरिक, ऑरम साइकोटिक, ऑरम सिपिलिटिक. ऑरम ग्रुप पढ़ा है क्या आप लोगों ने? यस, ओके. सो स्क्रीन पे आपके हैं, स्क्रीन पे स्लाइड दिख रहे हैं. यस, ओके. सो मटेरिया मेडिका, आवर मटेरिया मेडिका इज अ ट्रीजर ऑफ डिफरेंट रेमेडीज. यस, our Materia Medica is a treasure of different remedies prepared from different sources. So you all of know the sources of homeopathic remedies, the sources of our all medicines. So plant, animal, metals, minerals, different disease product, that is nosodes, and all are available on the earth. Dr. Hahnemann has said that repertory is an index to the Materia Medica. Dr. Vijaykar sir always says that study of remedies, study of drugs is very difficult. आप एक ड्रग पढ़ने के लो आपको ऐसा लगेगा कि सभी ड्रग की सिम्टम्स सेम है, सभी ड्रग में ये उसमें भी पढ़ा था, इसमें भी पढ़ा था, तो कंफ्यूज हो जाएंगे. तो डॉक्टर विजयकर सर ऑलवेज सेज दैट गो थ्रू द रेपर्टरी. आप जब रेपर्टरी से मटेरिया मेडिका पढ़ोगे तो आपका मटेरिया मेडिका और रेपर्टरी दोनों परफेक्ट हो जाएंगे. यस, सो हमेशा अगर मटेरिया मेडिका का स्टडी करना है तो आप थ्रू रेपर्टरी कीजिए, तो वो परफेक्ट स्टडी होगा. और जो हमारे होल प्रैक्टिस में काम आता है दैट इज द रूब्रिक. तो एक बार रेपर्टरी से पढ़ेंगे तो आपके रूब्रिक भी परफेक्ट हो जाएंगे, then Materia Medica भी, drugs भी. So Hahnemann said that repertory is an index to the Materia Medica. The homeopathic Materia Medica is so vast that one can get easily lost in the maze of symptoms. Yes, दिस इज रियलिटी। इतने सारे सिम्टम है, 17,000 सिम्टम है सल्फर एक ही ड्रग की। इसका मतलब सब रेमेडीज के सिम्टम सल्फर में है। तो ये इस तरह से कंफ्यूज कर देगा, है ना। इसीलिए इट इज नॉट इजी टू रिमेंबर द सिम्टम्स ऑफ ऑल द रेमेडीज, हेंस डॉक्टर हैनेमन फेल्ड द नीड ऑफ अ रेपर्टरी। तो अगर आप रेपर्टरी पढ़ते तो ऑटोमेटिकली मटेरिया मेडिका की आपकी स्टडी हो जाएगी। यस, स्लाइड नहीं दिख रही सर। हेलो, स्लाइड नहीं दिख रही सर, स्लाइड चेंज नहीं हो रही। ओके, अभी देखिए। यस हाँ, ओके, चेंज हो रही ना अभी। The repertory is a very useful tool in arriving at the similimum. It is also very useful in the study of materia medica. Dr. Kent has said that remedies have to be studied as individuals with emotions, walking and talking as if they are live people. तो इस तरह से बहुत अच्छा लिखा है डॉक्टर केंट ने कि इस तरह से अगर हम इस टाइप से अगर हम मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं कि वो एक लाइव एलिमेंट है, लाइव मैन है, कि एक कोई भी ड्रग लीजिए और उसे एक एज अ पर्सनैलिटी आप देखिए कि वो किस तरह से होता है। एक पर्सन जिस तरह से होता है उस तरह से उसे अगर कंपेयर करते हैं ड्रग में, ड्रग को एक पर्सन से कंपेयर करते हैं कि एक ड्रग पढ़ रहे हैं मतलब एक इंसान को आप पढ़ रहे हैं, तो आपको परफेक्टली वो याद रहेगा। बहुत अच्छा डॉक्टर केंट ने कहा है। डॉक्टर विजयकर से दैट एवरी रेमेडी शुड बी स्टडीड इन ट्राई मियास्मेटिक वे। सर ने थोड़ा अप्रोच चेंज किया, क्योंकि मायाज्म जितना अच्छा डॉक्टर विजयकर समझ पाए, डॉक्टर विजयकर सर ने जितना इलेबोरेट किया है मायाज्म को, उतना आज तक किसी ने किया। इतना डिटेल, इतना डीप, इतना टेप तक गए मायाज्म में विजयकर सर बहुत। इसीलिए सर ने हर ड्रग को अकॉर्डिंग टू मायाज्म देखा है, सोरिक, साइकोटिक एंड सिपिलिटिक। इसलिए सर बोलते हैं कि अगर ट्राई मियास्मेटिकली आप हर ड्रग को देखते हैं तो आपका ड्रग परफेक्ट होगा। वो सोरा में कैसा है, साइकोसिस में कैसा है और सिपिलिटिक में कैसा है। तो बहुत अच्छा डॉक्टर विजयकर सर ने भी लिखा है। मियास्मेटिक रिफ्लेक्शन इज द यूनिक पोर्शन ऑफ द मटेरिया मेडिका दैट एवरी रेमेडी एंड इट्स सिम्टम्स वेदर दे आर नेचुरल ट्रेट्स और डिजीज सिम्टम्स अराइज फ्रॉम द जेनेटिक कोड ऑफ द पर्सन। यस, तो ये जेनेटिक स्टडी है, क्योंकि हम अभी तक पढ़ते हैं कि जो भी होता है बिकॉज ऑफ जीन्स होता है और जेनेटिक कोड में ही वो सब कुछ उसके कोड होते हैं, उसका जो भी है सब जीन्स में होता है। सो दिस देयर इज अ डिस्टिंक्ट एंड कंफर्म्ड रिलेशनशिप ऑफ द चाइल्डहुड नेचर ऑफ अ पर्सन। यस, सो द नेचर ऑफ अ पर्सन इन एडल्टहुड, द नेचर ऑफ अ पर्सन इन ओल्ड एज, there is distinct relationship between nature of a person and his disease because of the prevailing miasm, and this makes every remedy a triasmatic. जैसे कि हर इंसान का हर टाइप का मतलब उसके मेंटल्स, उसके फिजिकल्स, उसके जनरल सब कुछ जीन्स में कोड होते हैं, उसी तरह से एक पर्सन चाइल्डहुड में कैसा है, एडल्टहुड में कैसा है और ओल्ड एज में कैसा है, ये सब कुछ डिपेंड होता है उसके अंदर प्रेजेंट मायाज्म। वो पर्सन चाइल्डहुड में था मतलब सोरा में था, तो उसका नेचर, उसका विल, उसका इंटेलेक्ट, उसकी रिएक्शन, उसके डिस्पोजिशन किस टाइप के है, वही जब एडल्टहुड में जाता है तो वो चेंज होता है बिकॉज ऑफ द मायाज्म। जैसे एडल्टहुड में जाएगा मायाज्म चेंज होगा, वो सोरा से साइकोटिक में जाएगा तो साइकोटिक में उसका पूरा पिक्चर चेंज हो जाएगा, और बाद में जब वो ओल्ड एज में जाता है तो वो सिपिलिटिक में जाता है, तो उसके पूरे फिजिकल जनरल्स मेंटल सब चेंज हो जाते हैं। और ये सब कुछ इनकोडेड होता है जीन्स में कि ये पर्सन सोरा में कब जाएगा, साइकोसिस में कब जाएगा, सिपिलिटिक में कब जाएगा, इसके माइजम कब चेंजेस, सब कुछ इनकोडेड होता है इन द जीन्स। यस, सो इसीलिए जेनेटिक कोड ऑफ मटेरिया मेडिका, इसे हम ये भी कहेंगे कि आज हम वो कोड भी देखने वाले मटेरिया मेडिका का। यस, सो माइजमेटिक मटेरिया मेडिका, तो आज हम देखने वाले हैं ऑरम। ऑरम एक बहुत अच्छा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ रेमेडीज, इसके बहुत सारे एलिमेंट्स है, बहुत अच्छी रेमेडी है, ट्राइजमैटिक रेमेडी है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये ऑटो इम्यून रेमेडी है। सो ऑरम इन सोरा, सोरिक ऑरम किस टाइप का होता है? बेसिकली ऑटो इम्यून जब बोलते हैं तो वो सिपिलिटिक हो जाता है, लेकिन उसके पहले सोरा भी आता है, साइकोसिस भी आता है। तो सोरिक ऑरम कैसा है, साइकोटिक ऑरम कैसा है, देन व्हेन इट बिकम द ऑटो इम्यून देन इट गोज इनटू सिपिलिटिक, और सिपिलिटिक उसका पिक्चर कैसा है। सो जब ऑरम क्रूड गोल्ड से बनाया जाता है तो जब वो सोरा में होता है तो सोरिक पिक्चर, सोरिक उसका जेनेटिक नेचर किस टाइप का होता है। सो ऑरम चाइल्ड हैज अ गुड बॉय गुड गर्ल इमेज इन द स्कूल, दिस इज सोरा। जब वो चाइल्डहुड में होता है, बच्चे होते हैं, चिल्ड्रेंस होते हैं, तो सब सोरा में होते हैं, और सोरा में उनका जो भी नेचर होता है बहुत ही अच्छा नेचर होता है, सिंसियर नेचर होता है, दैट इज द गुड बॉय गुड गर्ल इमेज। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स के बहुत प्यारे होते हैं, नेबर्स के बहुत प्यारे होते हैं, रिलेटिव्स के बहुत प्यारे होते हैं, इवन इन स्कूल टीचर्स एंड फ्रेंड्स सबके वो बहुत प्यारे होते हैं, सब उनको लाइक करते हैं, दैट इज कॉल्ड गुड बॉय गुड गर्ल इमेज। और ये उन बच्चों के साथ होते हैं, हम बोलते हैं कि वो देखो बच्चा कितना है, कितना सिंसियर है, कितनी अच्छी पढ़ाई करता है, कभी किसी को तकलीफ नहीं देता, दिस इज द गुड बॉय गुड गर्ल इमेज। और उसमें से एक रेमेडी है ऑरम, बट इट इज सोरिक पिक्चर। देन कंसाइंशियसनेस, दिस इज आल्सो सोरा, और जो बच्चे कंसाइंशियस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। यस, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चाइल्डहुड हेल्प्स मदर इन हर हाउस होल्ड कोर्स। बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे यहाँ बाकी कोई मेंबर मेरी केयर नहीं करेंगे, लेकिन मेरा बच्चा बहुत मेरी केयर करता है, मुझे हरदम बोलता है मम्मी मैं काम करने लगूं क्या, मैं आपका काम कर देता हूँ, आप बैठ जाओ, आप थोड़ा रेस्ट करो, लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड, दिस चाइल्ड इज रिस्पॉन्सिबल, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज सोरा। His good nature, because of his good nature, because of his sensitivity, he knows the pain of mother. That's why he becomes sensitive. और वो sensitivity उसकी वो ऑरम की childhood sensitivity है. That is, it indicates the sora, the soric nature. So responsible child, जितने भी बच्चे responsible होते हैं in childhood, these are soric child. And maybe the orums. So helps mother in her household chores. Mother can leave the second child under her care for sometimes. ये भी बहुत अच्छा है, ये भी एक पॉइंट बहुत सारे बच्चों में होता है कि मदर्स पेरेंट्स उनके भरोसे पे छोटे बच्चों को छोड़ के जाते और वो उसकी केयर बहुत अच्छी तरह से लेता है, लाइक अ पेरेंट्स। उससे बाबू बाबू करेगा, उसका लाड करेगा, प्यार करेगा, उसको जो चीज चाहिए वो टाइम पे देगा, केयरिंग बहुत होगी। दिस इज द रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड एंड दिस इज सोरिक ऑरम। रिस्पॉन्सिबल, देखो रिस्पॉन्सिबल के यहाँ तीन टाइप दिए हुए, एक चाइल्डहुड का, एक एडल्टहुड का। स्कूल में सीन इन स्कूल टू टीचर कैन गिव रिस्पॉन्सिबल assignment to do or give responsibility of class in her absence. Yes, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो teachers, neighbors, friends, even parents of friends gives the responsibility to that child कि मेरे बच्चों को संभालना, इसको गलत संगत में नहीं लगने देना, इसका ध्यान रखना, तुम ही स्कूल में तुम ही इसके अच्छे दोस्त हो, तुम इसका बहुत ख्याल रखते हो, ध्यान रखते हो, like this because he is responsible and this is again the childhood responsibility, ये भी कह सकते सोरा, yes. Then बाद में if any responsibility is given to them, they have to finish it first. They are reliable and responsible. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप कोई भी काम दो तो वो परफेक्टली करेगा, टाइम पे करेगा और फर्स्ट प्रीफरेंस पे करेगा, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो चाइल्डहुड में आप देखना कि जो छोटे होते हैं एकदम चाइल्डहुड में किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्कूल में, घर में, इवन आउटसाइड और विद द नेबरर्स. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑरम की सोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. देन रिस्पॉन्सिबल, देयर सेंस ऑफ ड्यूटी कंसाइंशियसनेस इज टू हाई. वो इतना हाई होता है इनका कंसाइंशियस लेवल कि आप कुछ भी बोलो वो कभी नहीं बोलेंगे, हर चीज के लिए तैयार, हर चीज टाइम पे करेंगे, हर चीज आपको हाई बोलेंगे और करके देंगे, खुद का काम बाजू में रखेंगे लेकिन आपकी केयर करेंगे, आपका काम कर देंगे और इतने अच्छी तरह से हर वर्क को फिनिश करते हैं कि आप उनकी तारीफ ही करोगे. सो दिस इज कॉल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी. So their sense of duty conscientiousness is too high unless and until finish the work that they have given by others. She cannot take rest. It gives a task to do. They will do it. She shall perfectly on time. और छोटे में सर कोई जुर्म करें. This is responsibility of Aurum and this responsibility is soic. Then diligence. अभी हमने conscientiousness देखा, now diligence. Diligence सबको याद है, शुभम जोधपुर में थे एक, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज म्यूट रखिए. Aurum iPhone किसका है? एक मोबाइल की वजह से, एक पर्सन की वजह से सब डिस्टर्ब हो जाता है. सो डिलीजेंस ऑफ ऑरम में रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी, कंसाइंशियसनेस देखा, नाउ डिलीजेंस. तो ऑरम का डिलीजेंटनेस कैसा होता है? शी स्टडीज ऑन हर ओन. यस, ऑरम के बच्चों को कभी बोलना नहीं पड़ता कि पढ़ाई करो. वो स्कूल में से आते सबसे पहले बैग रखेंगे और अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे, जो उनको टास्क दिए हुआ है वो कंप्लीट करेंगे, देन वो खाना खाएंगे, बाद में खेलने को जाएंगे, लेकिन सबसे पहले complete their task, their work, their homework. So she studies on her own. पढ़ाई के लिए कभी नहीं बोलना पड़ेगा. इवन उनको ये बोलना पड़ता है कि बेटा बस कर, बहुत पढ़ लिया, अभी रहने दो, नहीं. So finishes her homework on her own. As soon as she comes from the school, she has to finish her homework, then go to play or watch TV or do anything else. This is the diligence of Aurum. The sense of right and wrong is very high. ये बच्चे पेरेंट्स को समझाते हैं कि मम्मा वो गलत है ना, मम्मा वो रॉन्ग है ना, उन्होंने रॉन्ग किया ना, लाइक दिस. सो दिस इज सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज वेरी हाई. She never copy in exam. Very sincere. They never be cheater. She is generally sober, serene people. She is stable emotionally with no expression on face. Stable emotionally with no expression on face. Soberness of Aurum is out of discipline. इतने डिसिप्लिन होते हैं ये, किसी के यहाँ गए तो किसी चीज को पूछे बगैर हाथ नहीं लगाएंगे. अगर वो इन्हें कुछ देते भी है तो ये पेरेंट की परमिशन लिए बगैर उसे लेंगे नहीं, कभी खुद होके कुछ मांगेंगे नहीं. दिस इज कॉल्ड वेरी वेरी डिसिप्लिन चाइल्ड. And this is Aurum. Now, ये हो गया पूरा सोरिक पिक्चर ऑफ Aurum. Now साइकोटिक Aurum. अब साइकोटिक में थोड़ा उसका जेनेटिक चेंज हो जाएगा. जितना अच्छा सोरा में था वो पिक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा साइकोसिस में. पहले बहुत स्टडियस था, अभी वो स्टडी करेगा अचीवमेंट के लिए, है ना. पहले वो स्टडी करता था, कंसाइंशियसली करता था, अभी उसके एम्स आ जाएंगे साइकोसिस में, उसके गोल्स आ जाएंगे साइकोसिस में. नहीं, मुझे पढ़ाई करना है क्योंकि मुझे वो अचीव करना है, मुझे फर्स्ट ही आना है, मुझे फर्स्ट रैंक ही मिलनी चाहिए, इसलिए वो अब उससे भी ज्यादा पढ़ाई करेगा. दिस इज कॉल्ड साइकोटिक नेचर. सो अचीवर्स इज साइकोसिस ऑफ Aurum. We can find Aurum on the top most positions in the corporate world. जितने भी corporate world में जो भी top most है, आप अगर उनका genetics देखेंगे, उनकी history लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारे Aurums हैं. Yes, they are positive, dominating, authoritative with good leadership qualities. This is the picture of Aurum. तो जो Aurum हमने सोरा में देखा कि इतना सिंसियर, इतना अच्छा, इतना डिसिप्लिन, इतना कल्चर्ड बॉय, now become dominating, authoritative with good leadership quality. जितना सेंसिटिव वो सोरा में था अभी उसकी सेंसिटिविटी चली जाएगी. now he become dominating, authoritative. अब वो जो भी करेगा वो समझता है कि दिस इज माय ड्यूटी, है ना. बच्चे ने मम्मी को पापा को हेल्प करनी चाहिए, ये उसकी बच्चे की ड्यूटी होती है, इसीलिए मैं कर रहा हूं. लेकिन वही काम जब वो सोरा में था तो करता था तो वहां पे सेंसिटिविटी थी, वहां पे मदर के साथ इमोशंस थे. नाउ इमोशंस धीरे धीरे उसका इमोशनल पार्ट लैक होते जाएगा और उसमें ड्यूटी बाउंडनेस आ जाएगा. दिस इज साइकोसिस. तो ये चेंज होता है सोरा से साइकोसिस में इन Aurums. सो दे आर पॉजिटिव. नहीं, ये मेरी ड्यूटी है, ये मुझे करना ही पड़ेगा. वो अभी इस तरह से बात करेगा कि मम्मा आप रेस्ट करो, पापा आप रेस्ट करो, आप अभी काम मत करो, मेरी ड्यूटी है अभी आपको संभालना, आपकी केयर करना, मैं करूंगा, बट मेरी ड्यूटी है क्योंकि मैं आपका बेटा. तो अभी वो बात, वो इमोशन, वो सेंसिटिविटी ड्यूटी पे आ गई. सो दे आर पॉजिटिव, डोमिनेटिंग, ऑथोरिटेटिव विथ गुड लीडरशिप क्वालिटीज. दिस पोजिशन इज अचीव्ड बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी, बट नॉट ड्यू टू मैनिपुलेटिवनेस. यहाँ पे मैनिपुलेटिवनेस नहीं है, यहाँ पे मोर ऑफ है हार्ड वर्क, मोर ऑफ है सिंसियरिटी, मोर ऑफ है ऑनेस्टी, जिस वजह से वो इस टॉप पोजीशन पे है. यस, सो ड्यूटी कंसाइंशियसनेस इज आल्सो द साइकोटिक. gives more importance to his work than personal life. जो बोलते हैं ना हम कि ये बचपने में इतना अच्छा था, इतना सेंसिटिव था, बहुत पढ़ाई करता था, और अभी इसके पीछे क्या लग गया पता नहीं, ये इतना करियर करता है ना। इतना मत करियर के पीछे भाग। दिस इज कॉल्ड द ड्यूटी कॉन्शियसनेस। ये साइकोसिस में होता है। अभी उन्हें उनका करियर दिखता है, ओनली करियर, बाकी कोई चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, किसी इमोशंस को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। पहले मुझे मेरा करियर करना है, मैं बाद में करूंगा। पेरेंट्स पीछे लगते हैं कि बेटा शादी की उम्र हो गई, बेटी शादी की उम्र हो गई, शादी कर ले। नहीं, पहले मैं मेरा करियर देखूंगा, पहले मैं मेरा करियर देखूंगी, बाद में शादी। मतलब इमोशनल पार्ट गया पीछे। दिस इज कॉल्ड द साइकोसिस। सो गिव्स मोर इंपॉर्टेंट टू हिज वर्क देन पर्सनल लाइफ, ड्यूटी ऑफ हाईएस्ट डिग्रीज। They always have a feeling and fear that they should not neglect their duty. Yes. So this is duty conscientiousness. यहाँ पे emotion का कोई role नहीं आता। Emotion कहीं नहीं दिखेंगे जब वो duty conscientious बन जाते। अभी जब वो career holder बन जाते हैं, वो एक top level पे चले जाते हैं, और तब parents उनको बोलते हैं कि बेटा तबीयत खराब है, चलो मेरे साथ दवाखाने में, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। तो वही पर्सन बोलता है जो बचपने में इतनी केयर करता था, अभी वो बोलता है कि मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरी मीटिंग है, मेरा ये है, मुझे आज बहुत ऑफिशियल वर्क है, आप ये पैसे ले लो, आप चले जाओ, टैक्सी कर लो और दिखा के आ जाओ। दिस इज कॉल्ड ड्यूटी कंसाइंशियसनेस। यस। Honest officers are the psychotic aurum. Honest officers तो किस टाइप के? Never misuse their power. This is honesty of the of that officer. Never misuse their power. Always comes on time and finishes all his work on time. They put work responsibility ahead of their own self. खुद से भी ज्यादा देयर वर्क, देयर ड्यूटी, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे आर द पीपल हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ। मेरा पूरा जीवन मैंने मेरे ऑफिस को दिया, मेरे काम को दिया, मेरे करियर को दिया। मैं कभी जिंदगी जिया ही नहीं, मैंने जिंदगी भर काम काम काम, मेरे टारगेट्स, मेरे एम्बिशंस। दिस इज द साइकोटिक ऑरम, ऑनेस्ट ऑफिसर। सो दे आर द पीपल हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर देयर ड्यूटी, गोल ऑफ लाइफ, एम्स ऑफ लाइफ, एम्बिशियस। दिस पर्सन्स आर very, very much ambitious. They never think about self is the psychotic aurum, and after that psychotic phase, they goes into the syphilitic, and that syphilitic is autoimmune syphilitic. Religiousness, it is psychotic. So religiousness में aurum किस type के होते हैं? Anxiety about salvation. गॉड फियरिंग पीपल, और जो गॉड फियरिंग पीपल होते हैं वही उनको ही एंग्जाइटी अबाउट साल्वेशन होता है। जो भगवान से बहुत डरते हैं, नहीं अगर मैंने ये किया तो मुझे पाप लगेगा, नहीं मैं ये करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा। दिस इज एंग्जाइटी अबाउट साल्वेशन, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ, इसका जो बेसिक है ये कहां से आ रहा है? तो बिकॉज ऑफ फियर ऑफ गॉड। जो लोग भगवान को डरते हैं, भगवान की डर की वजह से सब काम करते हैं। अगर मैंने ये किया तो नहीं भगवान मुझे उसकी सजा देगा, ना मुझे पाप लगेगा, मुझे पुण्य मिलेगा, लाइक दिस। सो दिस इज द फियर ऑफ गॉड। लॉट्स ऑफ फियर, फियर ऑफ हार्ट डिजीज, फियर ऑफ फेल्यूर इन बिजनेस, fear of crowd, fear of robbers, fear of unknown. This is the psychotic aurum. Strict boss. Yes, psychotic aurum. ये बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो दे मे बी द स्ट्रिक्ट बॉस, स्ट्रिक्ट बॉस ऑफ ऑफिस, हु कैन नॉट टॉलरेट एनी कॉन्ट्राडिक्शन, ही वुड गेट एंग्री, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इगोइस्टिक, हॉटी इज द स्ट्रिक्ट बॉस, साइकोटिक ऑरम. दे प्रिपेयर टू बी अलोन. Yes, these people mostly prepare to be alone. जो बहुत strict होते हैं, जो like a boss होते हैं, वो mostly अकेला रहना पसंद करते हैं. ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे. किसी प्रोग्राम में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो अकेले बैठेंगे, सबको निहारेंगे, सबको देखेंगे. So this is the perfect or prefer to be alone. Strict person. They do not like company, music and red day. Akela music sunte baithte hain, silent music. This is the psychotic aurum. Mostly which diseases are comes under the aurum? He develops hypertension, ischemic heart disease, indurations, glandular swellings, exostosis, osteitis, sclerosis of arteries and dropsy. Yes, so aurum is useful in mostly this type of diseases, heart disease, hypertension, glandular swellings, and bone problem, joint problems. Yes. Now the syphilitic aurum. तो सोरिक औरम में आप लोगों को कुछ समझाने ऐसा है, या फिर साइकोटिक में, या फिर सोरिक औरम में सबसे अच्छा आप लोगों को क्या लगा, साइकोटिक औरम में आप लोगों को क्या अच्छा लगा, बताइए. फिर हम सिपिलिटिक औरम देखेंगे. यस, अनम्यूट करके आप बता सकते हैं. बोलिए. आप लोगों का इंटरैक्शन ऐसे इसमें जरूरी होता है, ताकि मुझे पता चले, क्योंकि ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है ना, तो बोर नहीं होना चाहिए, इसलिए इंटरैक्शन बीच बीच में होना चाहिए. हेलो. यस सर. ड्यूटी कॉन्शियस साइकोसिस में जो आपने बताया कि ऑफिस की ड्यूटी को वो ज्यादा महत्व देता है That's the responsibility of the parents. Yes. तो ये तो ड्यूटी कॉन्शियस में पेरेंट्स की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर. पेरेंट्स के बजाय आप वहां पे ये यूज कर सकते कि इमोशनल अटैचमेंट से ज्यादा वो इम्पोर्टेंस देगा ड्यूटी कॉन्शियस में, ड्यूटी को. ओके. इमोशनल पार्ट को थोड़ा कम देगा, थोड़ा नहीं बहुत कम देगा. इमोशंस उसके लिए कुछ नहीं होते, उसके लिए होते हैं ड्यूटी. दिस इज माई ड्यूटी बिकॉज ऑफ, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द इमोशंस. मैं आपका काम कर रहा हूं, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, ये आप मेरे पेरेंट्स है, आपने मुझे मतलब बहुत लाड़ प्यार से पढ़ा है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए नहीं, आपने मुझे जन्म दिया है और मैं आपका लड़का हूं और ये मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ. वही फिर पेरेंट्स बोलते कि यही बात अगर तू ऐसा कहता था कि भाई मैं तेरे तुम्हारे से बहुत प्यार करता हूं तो कितना अच्छा लगता था, ये तेरी ड्यूटी है इसलिए तू कर रहा है. दिस इज ऑरम. ओके. यस. यस ओके सो आगे चलें। सर वो सुसाइडल टेंडेंसी भी रहती है ना उसमें? अभी हमने सिपिलिटिक देखा ही नहीं ना कि वो यस अभी हमने सोरिक देखा, साइकोटिक देखा, नाउ द सिपिलिटिक ऑरम। सिपिलिटिक ऑरम लिव फॉर अदर्स और साइकोटिक ऑरम इट इज live for self, it is duty conscious, very strict, bossy nature, this is psychotic, but वही जब syphilitic में जाएगा then again उसकी phase change हो जाएगी, उसका genetics change हो जाएगा, उसका life change हो जाएगा, live for others, syphilitic persons of aurum live for others, तो वो किस type के कैसे दूसरों के लिए कैसे जिंदा रहते हैं या फिर दूसरों की कैसे केयर करते हैं। डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ फॉर अदर्स, वर्क फॉर अदर्स, मैनिया फॉर वर्क, दिस इज द सिपिलिटिक ऑरम। तो मेन थीम इज दैट लिव फॉर अदर्स। हाईली कंसाइंशियसनेस, आउट ऑफ कंट्रोल, कैसे हैज हाई मॉरल वैल्यूज सो दैट दे ऑलवेज थिंक दैट ही वुड डू और गो रॉन्ग समवेयर। इतना कंसाइंशियस, इतना कंसाइंशियस कि दूसरों के लिए खुद का घरदार बेच दिया और उनका काम कर दिया। हाई मॉरल वैल्यूज, सब कुछ दान कर दिया। अभी एक कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज देखा था कि एक बहुत ही मतलब ओल्ड एज की एक लेडी थी जिसको कोई नहीं है, ना कोई बच्चा है ना हस्बैंड है, कोई नहीं, हस्बैंड की डेथ हो गई, बच्चा नहीं है, और उसकी कितनी सारी प्रॉपर्टीज, उसका बहुत बड़ा वाड़ा, उसका घर, सब कुछ बेच के, वो एक मिट्टी के घर में रह रही है और सब कुछ बेच के उसने किसी संस्थान को दान कर दिया। दिस इज कॉल्ड हाई मॉरल वैल्यूज। और अभी वो एक झोपड़े टाइप घर में रहती है, बहुत ही गंभीर मतलब बहुत ही बेकार कंडीशन में वो रह रही है। और जब उसका इंटरव्यू लिया टीवी चैनल वालों ने, उसने बोला कि उसने सब कुछ बेच के संस्थान को दान कर दिया। दिस इज हाईली कंसाइंशियस, दिस इज कॉल्ड सिपिलिटिक ऑरम। सो दैट दे ऑलवेज थिंक दैट ही वुड डू और गो रॉन्ग समवेयर। गिल्ट फील, अगेन गिल्ट फील इज सिपिलिटिक। गिल्ट फील, गिल्ट रूब्रिक रेपर्टरी में नहीं है, गिल्ट के लिए हमारे रेपर्टरी में दिया है एंजाइटी कंसाइंशियसनेस। जिनको ऐसा लगता है कि अरे यार मैंने गलती कर दिया है ना, मैं अगर वहां रहता था तो ऐसा नहीं होता था, मैं ऐसा होने ही नहीं देता था, मेरी वजह से हुआ, मैं टाइम पे जा नहीं पाया, मैं टाइम पे वहां पे मतलब रीच नहीं हुआ, इसलिए ये सब कुछ हो गया। सो दिस इज गिल्ट फील, देयर इज अ गिल्ट कंसाइंशियस, एज इफ ही हैज डन समथिंग रॉन्ग, ऑलवेज ब्लेम्स हिमसेल्फ, ही लुक्स डाउन अपॉन वनसेल्फ, इज द गिल्ट एंड इट इज सिपिलिटिक। सो सेल्फ कंडेमनेशन, हमेशा खुद को बुरा ठहराना, खुद को दोष देना, खुद को नीचा दिखाना, सेल्फ कंडेमनेशन, खुद की बुराई करना, सेल्फ रिप्रोच, सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ पनिशमेंट इज सिपिलिटिक। एंड कंप्लीट होपलेसनेस विथ फीलिंग दैट वॉट एवर ही डज विल बी रॉन्ग, वो जो भी करता है सब गलत होता है, वो जब भी कुछ करता है गलत होता है। दिस इज द सिपिलिटिक ऑरम। Anxiety conscientiousness or anxiety conscientious. Every trifles makes extreme irritable and worries. छोटी सी किसी बात की चिंता वो इतनी एक्सट्रीम हो जाती है, देन धीरे धीरे फिर वो साल्वेशन की तरफ बढ़ता है. एंग्जाइटी साल्वेशन अबाउट कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, लाइक दिस एंड सुसाइडल. कंप्लीट लोदिंग ऑफ लाइफ, लाइफ इज लॉस्ट or perverted and make him suicide. Broods over imaginary troubles which lead him more towards suicidal tendency. And these all things, complete loathing of life, feels life is lost, perverted. Broods, completely brooding on imaginary thoughts, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, लाइक दिस आर ऑल द syphilitic things and makes him a suicidal thoughts. Memory weakness for names, again the syphilitic. Melancholy, imagines he is unfit for this world, never can succeed. Despondent, dejected, unhappy, weeping, great anguish and palpitation. These are all the syphilitic form of Aurum. And in syphilitic, Aurum covers these diseases. किसी डेलीकेट का माइक शुरू है, प्लीज आप म्यूट रखिए, सभी को आपकी वजह से डिस्टर्ब होता है. जनरली दे मे सफर फ्रॉम ऑटो इम्यून डिजीजेस, ऑल्सो अदर कंडीशंस आर इन्फार्क्ट, माइट्रल रिगर्जिटेशन, वॉल प्रोलैप्स, कैरीज ऑफ बोन्स स्पेशली ऑफ नोज, palatine and mastoid cancers, ulcers and necrosis. So these are the syphilitic diseases covered by syphilitic Aurum. So this is the aurumate और Aurum group भी हम इसे बोल सकते हैं कि इस टाइप के Aurum में सिम्टम्स होते हैं. सोरिक Aurum किस टाइप का होता है, साइकोटिक Aurum किस टाइप का होता है, सिपिलिटिक Aurum. नाउ द एलिमेंट्स ऑफ Aurum, Aurum आर्स. तो ये सिंपल कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स है जो आप इसे इजीली ध्यान में रख सकते हैं, और इस बेस पे आप जब Aurum इसमें आता है रेपर्टराइजेशन में, तो अगर वो आपको लग रहा है कि ये Aurum तो है लेकिन परफेक्ट Aurum मेट नहीं है, उसका कोई एलिमेंट है, तो आपको ये सब एलिमेंट्स के कुछ प्रोमिनेंट सिम्टम्स, कुछ PQRS अगर आपको पता है तो आप उस ड्रग को सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि कल मैंने एंटिम सल्फ सिलेक्ट किया था कि एंटिम तो है, पता है, लेकिन ये एंटिम टार्ट नहीं है, ये एंटिम का कोई और फॉर्म है, तो हमने वहां एंटिम सल्फ दिया. उसी तरह से Aurum हमें पूरा पता है, Aurum हमने पूरा उसका जेनेटिक्स देख लिया, उसका मायजमेटिक अप्रोच देख लिया, उसका मायजमेटिक क्या है, सोरा है, साइकोटिक एसिड्स देख लिया है ना. तो अब हमें उसके एलिमेंट्स देखना है, उसके कौन से फॉर्म में वो किस टाइप से बिहेव करता है. तो चिली Aurum आर्स, इट इज चिली थर्स्टी. बेसिकली Aurum ये मेटल होने की वजह से थर्स्टलेस होता है, और Aurum आर्स आने के बाद तो और थर्स्टलेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि Aurum आर्स इज चिली एंड थर्स्टी. फैनेटिक Aurum, यस फैनेटिक Aurum डिस्पेयर्स फॉर रिलीजियस साल्वेशन, इट इज डिस्पेयर फॉर रिलीजियस साल्वेशन, निग्लेक्ट्स हिज चिल्ड्रेन. देखो बहुत प्रोमिनेंट है, एंटेगोनिज्म है यहाँ पे, निग्लेक्ट हिज चिल्ड्रेन, दिस इज Aurum आर्स. Neglect his household, sacrifice fanatically for a cause, sacrifice fanatically for a cause. Malicious, vindictive, untidy. देखो आर्सेनिक आने के बाद तो टाइडी होना चाहिए, लेकिन अनटाइडी, violent personality. So this is the syphilitic aurum ars. And main theme, यहाँ पे जितने भी मैंने औरम के एलिमेंट्स लिए, औरम की जितने भी फॉर्म हम आज पढ़ रहे हैं, उसमें थीम दी है. अगर ये थीम हम ध्यान में रखते हैं तो इजीली हम उस एलिमेंट्स को हम याद कर सकते हैं. तो थीम क्या है, औरम आर्स की थीम क्या है? माय कॉज इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ आर्सेनिक. बिकॉज आर्सेनिक इज very much censorious, critical, and that's why my cause is more important than anything else. ये थीम है आर्स, औरम आर्स की. ये आपको ध्यान में रखना है, तब आप अच्छी तरह से औरम आर्स समझ पाएंगे. सो आपको थीम ध्यान में रखना है, माय कॉज इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. देन औरम आयोड. इट इज हॉट थर्स्टी, थर्स्टी बिकॉज ऑफ आयोडम एलिमेंट. कॉजलेसली चेयरफुल औरम, कॉजलेसली. औरम आयोड बेसिकली औरम्स आर वेरी नो इमोशंस दिखाने वाले, मतलब उनके चेहरे पे ना खुशी होगी ना गम होगा, एक्सप्रेशनलेस. बट औरम आयोड इट इज चेयरफुल, और हमेशा खुश, हंसते रहना. वेरी कंसाइंशियस, डिलीजेंट चिल्ड्रेन हु टेक ओवर द वर्क ऑफ द मदर व्हेन शी इज इल. पेरेंट्स की रिएक्शन होती है कि मुझे अगर कुछ हुआ तो मेरा बच्चा मुझे उठने भी नहीं देता, बेड पर से सब काम कर लेगा घर के, मुझे बेड पे टी पानी जो चाहिए वो ला के देगा, इतनी केयर मेरी करता है. सो दिस इज वेरी कंसाइंशियस, डिलीजेंट चिल्ड्रेन हु टेक ओवर द वर्क ऑफ द मदर व्हेन शी इज इल. टेक मदरली केयर ऑफ एंगर वंस, जैसा कि घर का बहुत बड़ा बुजुर्ग है, इस तरह से वो बिहेव करेगा, इस तरह से वो केयर करेगा. गुड बॉय इमेज, फास्टिडियस. देखो फास्टिडियस एक्चुअली आर्स, औरम आर्स होना चाहिए था, लेकिन फास्टिडियस औरम आयोड में आ गया बिकॉज ऑफ आयोडम एलिमेंट. सो राइट साइडेड. एंग्री, रिस्पॉन्सिबल, इगोइस्टिक, ब्रूडिंग, सडन चीयरफुलनेस इन पैरोक्सिम्स. दिस इज औरम आयोड. And the theme for aurum iod is everybody else is important than me. This is called the syphilitic aurum iod. Everybody else is more important than me. और वही औरम आर्स की थीम क्या थी? My cause is more important than anything else. This is the psychotic theme of aurum ars. And aurum iod, this is syphilitic theme. Everybody else is more important than me. Yes. And aurum mur. It is hot, thirsty. Because of muraticum, he becomes selfish, self-concerned. Aurum. Self-concern. दूसरों से कोई लेना देना नहीं, मैं किसी के कभी बीच में जाता नहीं, बीच में पड़ता नहीं, मुझे दूसरे किसी से लेना देना नहीं, मैं और मेरा काम बस. मोरोज, एंग्री, लोदिंग ऑफ लाइक अबाउट हिज एलिमेंट्स. वो खुद में ही इतना फंसेवा रहता है, खुद की दुनिया में इतना डीप होते जाता है बिकॉज ऑफ हिज एलिमेंट्स. थोड़ा सा दुखा कि उसको, मतलब इतने से चीज को इतना बड़ा कर लेना कि थोड़ा सा थोड़ी तकलीफ है लेकिन उसको ऐसे लगता है कि मुझे सब पूरे दुनिया से ज्यादा तकलीफ है, लाइक दिस। सो एंग्री एंड लोथिंग ऑफ लाइक अबाउट हिज एलिमेंट्स। दिस इज ऑरम म्यूर, ये खुद के दुनिया में होते हैं बिकॉज ऑफ म्यूरेटिका। सर ऐसे तो काली आर्स भी होता है, हर कोई जो एंजाइटी अबाउट हेल्थ है तो सब इसमें आएगा, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अदर एंजाइटी अबाउट? इसीलिए डॉक्टर हैनेमन और डॉक्टर विजयकर सर ने बोला है कि मटेरिया मेडिका के बजाय आप रेपर्टरी पढ़ो, आप वो रूब्रिक उठाओ उसमें कौन से ड्रग कवर कर रहे हो वो देखो। आपको जब आप मटेरिया मेडिका पढ़ोगे तो आपको हर ड्रग सरीका ही दिखेगा। इसलिए कुछ पिक्यूलियर पॉइंट्स होते हैं जो हमें ओनली ध्यान में रखना होता है जब हम मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं, कोई ड्रग लेके पढ़ते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ हर ड्रग में थीम दी हुई है, वो थीम को आपको ध्यान में रखना है। ऑरम म्यूर की क्या थीम है? माई हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, माई हेल्थ इज इम्पोर्टेंट देन मी। मेरी हेल्थ मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर मैं हेल्दी हूं, मेरी हेल्थ अच्छी है तो मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए। दिस इज द थीम ऑफ ऑरम म्यूर, राइट। अब एक आधा सिम्टम होता है, बहुत सारे रेमेडीज कवर करते हैं, तो वो सिम्टम हमें पता होना चाहिए कि कौन सी रेमेडी कवर करते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने काली आर्स कहा है कि काले आर्स में भी होता है, लेकिन वो पता होना चाहिए कि ये सिम्टम इतने मेडिसिन कवर करते हैं। फिर जब वो आता है, जब हम सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन पे जाते हैं, तब हमें पता होना चाहिए कि इसमें इतने सारे मेडिसिन है और उसमें से कोई मेडिसिन कवर कर रही है क्या। और अगर वो सिम्टम 3 मेडिसिन कवर कर रहे हैं तो फिर उसमें से हमें फिजिकल जनरल्स पे जाके वो रूल आउट करना है कि भाई ये सिम्टम तो 3 मेडिसिन कवर कर रहे हैं लेकिन परफेक्ट मेडिसिन कौन सी है। तो फिर अदर सिम्टम देखो, अदर डिस्पोजिशन देखो, रिएक्शन देखो, उसके फिजिकल जनरल्स देखो। यस, ओके। Now, the last one is aurum sulph. It is again hot. हमने ऑरम में अभी 2 ही मेडिसिन चीली देखे, एक ऑरम मेट और दूसरा ऑरम आर्स। बाकी ऑरम म्यूर, ऑरम आयोड, ऑरम सल्फ आर हॉट एंड थर्स्टी। फैमिली ओरिएंटेड ऑरम, दिस ऑरम सल्फ इज फैमिली ओरिएंटेड। बेसिकली ऑरम म्यूरेटिकम ये फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए, लेकिन फैमिली ओरिएंटेड ऑरम म्यूर नहीं है। ऑरम म्यूर नेट्रेकम फैमिली ओरिएंटेड है बिकॉज वहां पे नेट्रम आ रहा है। यस, तो ऑरम म्यूर नेट्रेकम इज आल्सो अ वेरी इंटेलिजेंट, उसकी भी थीम सेम है, यही थीम है कि माई हेल्थ इज इंपॉर्टेंट एंड मी, ऑरम म्यूर नेट्रेकम की, लेकिन वो फैमिली ओरिएंटेड है। Somebody should not be at a loss because of me. This is anxiety conscientious. मेरी वजह से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। This is the theme of Aurum sulph, and this is syphilitic. Very conscientious, diligent, live for others, religiousness, believes that God is one. देखो ये बहुत ही रिलीजियस है बिकॉज ऑफ सल्फ। सो ही बिलीव्स गॉड इज वन, इनडायरेक्ट प्राइज ऑफ सेल्फ, फियर ऑफ रॉबर्स एंड ड्रीम्स ऑफ रॉबर्स। दिस इज द ऑरम सल्फ, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द थीम ऑफ ऑरम सल्फ इज माई फैमिली इज मोर इंपॉर्टेंट देन मी। मेरे से ज्यादा मेरी फैमिली है। जो लोग खानदान को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं ना, मेरा खानदान, लड़की देखने जाते हैं तो पहले खानदान देखते हैं, लड़का देखने जाते हैं तो खानदान देखते हैं। सो जो खानदान वाले लोग होते हैं ना, जो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं खानदान को, दैट पर्संस मे बी द ऑरम सल्फ पर्संस। यस, सो माय फैमिली इज मोर इंपॉर्टेंट देन मी इज ऑरम। Yes, so this is the Aurum group. तो आज हमने Aurum group complete पढ़ लिया। Yes, और वो भी tri miasmatically. Yes, so okay. अभी आप पूछ सकते हैं। आप बोलिए, आप म्यूट अनम्यूट कीजिए, बीच बीच में बहुत अनम्यूट हो रहा था जिससे डिस्टर्ब भी हो रहा है। सर ऑरम आर्स मध्ये फॅनेटिक ऑरम मीन्स फॅनेटिक ऑरम मतलब फैनेटिसिज्म, जहां हम रिलीजियसनेस को बहुत मानते हैं आउट ऑफ कंट्रोल, दैट इज फैनेटिक ऑरम। धर्मवेदा। यस धर्मवेदा। यस ओके। तो किसी को कोई क्वेरी नहीं है, डाउट नहीं है? ओके तो यहीं रुक जाए। यस थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। यस कल हम कोई नेक्स्ट और दूसरा ग्रुप, बड़ा ग्रुप देखेंगे ट्राइमैस्मेटिकली। ओके यस सो आज का ऑरम आप लोगों को कैसा लगा? ऑरम तो सभी ये फॅनेटिझम म्हणजे हे आलं का, हे जे आपण म्हणतो आतंकवादी? नो, आतंकवादी म्हणजे हे फॅनेटिझम आलं का? धर्मवेडे। धर्मवेडे फॅनेटिझम इट इज गुड सायकोसिस, इज गुड सायकोसिस, सॉरी गुड सिपिलिस, नॉट सायको, गुड सिपिलिस। सर ह्याला कुठला रुब्रिक केला आतंकवाद्यांसाठी? कुठला रुब्रिक? पीपल्स आर व्हेरी, स्वतःला आणि दुसऱ्यांना पण, दॅट पीपल्स आर व्हेरी क्रुएल पीपल्स। यस व्हेरी डिस्ट्रक्टिव्ह पीपल्स म्हणजे आतंकवाद्यांना, जसं आयसिस काही सिरियाचे, त्यांना हे नाही येणार, त्यांना नाही लागू पडणार आहे फॅनेटिझम। त्यांना लागू पडेल परंतु कोणत्या लोकांना जे नुसतं धर्मासाठीच करतात त्यांनाच ते लागू पडेल, परंतु जे लोक रिवेंजफुल असतात त्यांच्याकरिता नाही लागू पडणार। यस हॅट्रेड अँड रिवेंज जिथे असते तिथे ते लागू नाही पडणार, जसं हमासच्या लोकांनी केलाय। That is not fanaticism. Yes. Okay. So thank you very much. And bye bye. Sir, हमास ने जे केलं, हमास ने केलं हे कशात येणार? कारण ती त्यांची भूमी होती आणि त्यांना तिथून हाकलून दिलं, मग ते रिबेल्स झाले का? रिवेंजफुल झाले ना, त्यांनी कशासाठी केलं माहित नाही परंतु जे केलं ते क्रुएल्टी होती ना। तुम्ही तो 10 ऑक्टोबर, 7 ऑक्टोबर का वीडियो बघितला का? ओके दैट इज नॉट आवर टॉपिक राइट। नहीं रुब्रिक मी विचारले, रुब्रिक विचारले। यस रुब्रिक इज क्रुएल्टी, डिस्ट्रक्शन। ओके सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, सी यू। कल मिलेंगे नए ग्रुप के साथ। ओके यस सर थैंक यू सर। वेरी नाइस लेक्चर सर।